आप सबको जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दी। हम धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने रात भर संभाल कर एक नई सुबह को हमारे जीवन में दिया। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसकी महिमा को करने पाएंगे। तो आइए हम एक भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये सच में प्रभु जो भी भजन हमने गाया प्रभु यीशु, वो तुझे ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन वचन को सुने और वचन के द्वारा आशीषित हों। उस वचन को सुनने के बाद हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी हमारी हानि नहीं होने देता है। यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमारा नुकसान नहीं होने देगा। ओके, मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 31 अध्याय और उसका 7वां पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। चाहे कोई कितनी भी हमारी हानि करना चाहे, चाहे कोई हमारे विरोध में कितने भी प्लान बना ले, कितनी भी योजनाएं बना ले, यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि नहीं करने दी। चाहे कोई कितना भी प्लान कर ले, लाबान ने बहुत सारे प्लान किए याकूब की हानि करने के, परंतु परमेश्वर याकूब की तरफ था तो याकूब की कोई भी हानि नहीं हुई। परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आप इस बात को भूल जाइए कि कोई भी आपकी हानि कर लेगा, कोई भी आपका नुकसान कर लेगा, कोई भी आपको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेगा, कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। लाबान ने सोचा कि मैं याकूब को इस्तेमाल करूंगा अपनी सेवा के लिए और इसे जीवन भर यही दास बना के रहूंगा, इसका याकूब का मैं शोषण करूंगा, परंतु परमेश्वर याकूब की तरफ था तो याकूब का शोषण परमेश्वर ने नहीं होने दिया। और याकूब को परमेश्वर ने लाबान से कई ज्यादा आशीषित किया और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। उसके पास भेड़ बकरियां धन संपत्ति बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगे और लाबान हर समय उसके खिलाफ में उसकी हानि की योजनाएं बनाता गया। परंतु प्रियो, हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है, जो हमारे कभी भी हानि नहीं होने देता है, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। याकूब ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता था जो कभी भी उसकी हानि नहीं होने देगा। हालांकि लगता ऐसा है कि जैसे हमारी हानि होने पर है, परंतु वो कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ में था तो मेरी कोई भी हानि नहीं हुई। यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे जीवन भर किसी भी चीज की हमारी हानि नहीं, चाहे कोई भी हमें मारने की हमारे विरोध में कितनी भी कल्पनाएं कर ले, कितनी भी योजनाएं बना ले, परंतु यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु जगत के अंत तक उनके साथ में है, वो उनकी कभी भी हानि नहीं होने देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, विशेषकर हम धन्यवादी हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो वचन जीवनों में बोया गया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु कि आपने हम सब के जीवन में ये सुंदर सुबह को जोड़ा परमेश्वर पिता, हम धन्यवादी हैं। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और पिता आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी हानि नहीं होने देते हमें। वो हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सब के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जिस प्रकार तूने प्रभु याकूब के जीवन में किया मेरे प्रभु परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु जितने भी लोग प्रभु तुझसे विनती प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं पिता, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा प्रभु यीशु। प्रभु आप किसी की भी हानि ना होने दें प्रभु, विशेषकर हम आज के पूरे दिन के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जी आप हर एक की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु कि प्रभु जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं प्रभु, जब लोग उन्हें दबाना चाहते हैं, लोग उनका व्यर्थ फायदा उठाना चाहते हैं, परंतु आपका वचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए हर एक के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आप प्रभु किसी की भी हानि ना होने दें, चाहे प्रकार प्रभु चाहे वो किसी भी प्रकार की हानि हो प्रभु, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड है, उनके जॉब से रिलेटेड है, उनके कारोबार से रिलेटेड है, या फिर प्रभु उनके पढ़ाई से रिलेटेड है, उनके फ्यूचर से रिलेटेड है प्रभु यीशु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी की भी हानि ना होने दें पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जिस प्रकार याकूब की हानि नहीं होने दी प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु आप प्रभु किसी की भी हानि ना होने दें, वरन प्रभु आपकी सहायता और आपकी मदद प्रभु हर एक के जीवन के लिए हम मांगते हैं प्रभु, हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी, आपकी सहभागिता को, आपकी संगति को हर एक के जीवन में मांगते हैं प्रभु। हम तेरे नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं आज की सुबह में प्रभु। आप हर एक जन को दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु, बीमारियों से बचाएं, कलेश से बचाएं, विपत्तियों से बचाएं, परेशानियों से बचाएं प्रभु। उनके जीवन की किसी भी परेशानी से प्रभु आप उनकी हानि ना होने देना प्रभु जी, परिवार में आने वाली समस्याओं से प्रभु जी आप उनकी हानि ना होने देना प्रभु जी, क्योंकि आप उनके साथ हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आप याकूब के साथ रहकर उसकी हानि आपने नहीं होने दी, उसी प्रकार प्रभु आप हर एक जन के साथ में होकर उनकी हानि ना होने देना परमेश्वर पिता। कर्जे से प्रभु किसी की हानि ना होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, कलेश लड़ाई झगड़ों से किसी की हानि ना होने पाए प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। जो प्रभु जिनके रिलेशनशिप में प्रभु बहुत सारी गड़बड़ियां प्रभु जो शैतान डालता है, शैतान की युक्तियां उसकी प्रभु युक्तियां और प्रभु जो भी उस प्लान्स प्रभु मनुष्यों को गिराने के लिए बनाता है प्रभु यीशु, वो सफल ना होने पाए प्रभु जी पिता। जिनके जीवन में प्रभु ये सारी परेशानियां हैं प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा, परंतु प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें, आप उनके लिए उपायों को करें, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु सब पर तेरा आशीष हो। इस वचन के अनुसार आप हर एक के जीवन में कार्य करें, हर एक के साथ में हुई हर एक की रक्षा हिफाजत करें प्रभु, हर एक के फ्यूचर को आप सिक्योर करें, हर एक को आप अच्छी जॉब प्रदान करें प्रभु जी, हर एक के पढ़ाई लिखाई में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। कर्जों से आप मुक्ति दें परमेश्वर पिता, कर्जों से आप छुटकारा दें, बिजनेस पर आप उन्नति दें प्रभु जी प्रभु, परिवार पर आप उन्नति दें प्रभु जी, परिवार पर प्रभु प्रेम में प्रेम आनंद मिलाप दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।